अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं डिफरेंट किस्म के रॉयल कलेक्शन के हिसाब से आपको बनाना सिखा रहे हैं जी कैंडल स्टैंड, जिसमें आप कैंडल्स रख सकती हैं और अपने घर को मज़ीद खूबसूरत बना सकती हैं जी। सबसे पहले हमने ये छोटा सा प्लेट नुमा लिया बर्तन, और इसके बाहर हम रैप करेंगे ये लेस। हाँ जी गाइस, अब मैं इसके ऊपर ये देखें हॉट गन की मदद से बिल्कुल छोटे छोटे बीड्स बना रही हूँ। हाँ जी, अब हम ये अपने इसमें बीड्स डालेंगे। हाँ जी गाइस, अब हम इसकी आपको फाइनल लुक दिखाएंगे जब हम गर्दन को बंद करेंगे। अब हमने इसको सेकंड कैंडल स्टैंड बना रहे हैं, जिसमें हमने मार्बल को स्टिक कर रहे हैं हॉट गन से। गाइस, ये मैंने बाउल के ऊपर रख के ये मार्बल्स को अटैच किया था। उसके बाद मैंने इसके ऊपर ये तीन मेटल की बॉल्स रखी हैं डिफरेंट साइजेस की, और अब मैं इसके ऊपर ये ड्राई अरेंजमेंट अटैच कर रही हूँ हॉट गन की मदद से, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जी। गाइस, अब आप ये देख रहे हैं कि मैंने इसके ऊपर ये ड्राई अरेंजमेंट फ्लावर के फॉर्म में की है अरेंज, और ऊपर इसके रख दी है कैंडल, और अब इसे मैं लास्ट में स्प्रे करके इसके फाइनल लुक आपको दिखाऊँगी। अभी हम थर्ड वन बना रहे हैं, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने ये ग्लास ली है ठीक है, और ये मैं हॉट गन की मदद से इसके ऊपर लेयर पैटर्न बना रही हूँ जी। मैंने ये देखें इसके ऊपर सारा लेयर पैटर्न दिया है, और ये आम एक प्लास्टिक का ग्लास बिल्कुल क्रिस्टल की लुक दूँगा। हाँ जी, ये मैंने इसके नीचे वाले पार्ट पे सर्कुलर पैटर्न दिया है ठीक है, ये भी आपको वाजी हो गई जब फाइनल लुक आएगी जी। गाइस, अब हमने इसको फाइनल लुक के लिए किस तरह रेडी किया, हमने इस पर फ्लावर अरेंज किए, वाइट इस पर कलर किया, पेंट किया, और इसको एक ही इसकी बाउंड्री के ऊपर हमने ये लेस लगा दिया। और अंदर इसको अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मैंने ये देखा इसके लाइट सा अंदर गन से सिलिकॉन लगा के, और अंदर मैंने इसमें स्प्रिंकल कर दिया ये शाइनर। गाइस, अब हम इस पर लाइट लाइट सा सिल्वर टच भी दे रहे हैं। गाइस, ये इसकी फाइनल लुक है ठीक है। ये तीनों कैंडल स्टैंड रेडी हैं, और इसमें हम लाइटिंग कर चुके हैं कैंडल्स को, और इसमें हमने ड्राई अरेंजमेंट्स के मुताबिक कैंडल स्टैंड बनाया, दूसरे में मिरर और तीसरे में हमने मार्बल्स का यूज़ किया। Fearless.